बच्चों के दिल के बेहद करीब थे चाचा नेहरू। जानिए उनके जन्मदिन पर क्यों मनाते हैं बाल दिवस। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बता दें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 में इलाहाबाद में हुआ था और यहाँ अपने घर यानी आनंद भवन में उन्होंने काफी वक्त बिताया। भारत को आजादी मिलने के बाद पंडित नेहरू ही देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे। जवाहरलाल नेहरू को बच्चों से बहुत प्यार और लगाव था। यही वजह है कि बच्चे आज भी उन्हें चाचा नेहरू कहकर बुलाते हैं। बच्चों के अधिकार, देखभाल और शिक्षा के बारे में लोगों को पंडित नेहरू ने ही काफी जागरूक किया था और इसलिए उनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में चुना गया। उन्होंने भारत में विभिन्न शैक्षिक संस्थानों जैसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना भी की थी। वैसे तो बाल दिवस साल 1925 से ही मनाया जाने लगा था, लेकिन साल 1954 में यूनाइटेड नेशंस ने 20 नवंबर के दिन को बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। दुनिया के कई देशों में आज भी 20 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। यह दिन बच्चों के बेहतर भविष्य और मूल जरूरतों को पूरा करने की याद दिलाता है। बता दें कि बाल दिवस के मौके पर देश भर के स्कूलों में छुट्टी नहीं होती है और ना ही पढ़ाई कराई जाती है, बल्कि बच्चों के लिए खास कार्यक्रम, खेल कूद कॉम्पिटिशन या पिकनिक आयोजित की जाती है। इस दौरान बच्चों के अधिकार, देखभाल और शिक्षा के बारे में लोगों को जागरूक भी किया जाता है। नेहरू का मानना था कि बच्चे देश का भविष्य हैं, इसलिए यह जरूरी है कि उन्हें प्यार दिया जाए और उनकी देखभाल की जाए, जिससे वे अपने पैरों पर ठीक से खड़े हो सकें। इस दिन स्कूलों में कई तरह के रंगारंग कार्यक्रम, मेलों और ढेर सारी प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाता है। इसके अलावा बच्चों को गिफ्ट, मिठाई और चॉकलेट्स आदि भी बांटी जाती हैं।